अमृता सिंह ने कहा नहीं लड़ेगी चुनाव। लक्ष्मण सिंह ने दिया था अमृता के खिलाफ बयान। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता रॉय द्वारा कहा गया कि उनके चुनाव लड़ने की बात में कोई दम नहीं है और मीडिया मेरे चुनाव लड़ने की अफवाह फैलाने में लगा है और समाज मुझसे पूछने की बजाय अफवाह के पीछे दौड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि नेताओं की पत्नियों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं ने इंदौर से अमृता राय और गुन से प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया को टिकट देने की मांग की थी। अमृता राय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी और प्रियदर्शनी राजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी हैं। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से दोनों नेताओं की पत्नियों पर निशाना लगाया गया। लक्ष्मण सिंह ने कहा था अगर नेताओं की पत्नियों को लोकसभा चुनाव में उतारा गया तो यह पार्टी के लिए हानिकारक होगा। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में एकदम नया चेहरा उतारा जाना चाहिए। अपने देवर यानी लक्ष्मण सिंह के बयान को लेकर अमृता सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।